नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय अयोध्या मास्टर प्लान 2031 पर एक सीरीज बना रहा हूँ। इसी सीरीज में मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अयोध्या बाईपास के बारे में। अयोध्या का नया बाईपास बनने वाला है, जो ये आपके सामने मैप है इस समय स्क्रीन पर। ये अयोध्या का जो अर्बन ग्रोथ स्ट्रेटजी है, उसके बारे में पूरा मैप बनाया गया है। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि अयोध्या का भावी विकास कैसे होने वाला है, इसके बारे में बताया गया है। इस वीडियो में मैं केवल इस अर्बन ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंतर्गत अयोध्या के बाईपास या आउटर रिंग रोड के बारे में ही बताऊंगा कि इसमें क्या होने वाला है, ताकि आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई जमीन खरीदनी है अयोध्या में, तो उन बातों का आप ध्यान रख सकें और जमीन खरीदने में आपको सहूलियत हो सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा चुका है, और उसके बाद से ही अयोध्या में जमीन की कीमतों में भारी उछाल आया है। हालांकि पिछले 2-3 सालों से अयोध्या की जमीनों में काफी तेजी आ रही है और जमीन की कीमत लगभग 10 गुनी हो गई है। तो आप इतना पैसा लगाने वाले हैं तो कहीं आपके पैसे को कोई रिस्क ना हो, इसलिए मैं ये सीरीज आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, आउटर रिंग रोड पर अभी क्या होने वाला है ये देखिए। अगर इस अर्बन ग्रोथ स्ट्रेटजी के प्लान पर बात करें तो यहां पर एक लिखा हुआ है रिंग रोड। ये जो रेड से दिख रहा है, ये आपकी रिंग रोड बनने वाली है अयोध्या में, और ये रिंग रोड आपको पूरे अयोध्या के चारों तरफ घुमा जाएगी। जैसा कि आपको पता है, अयोध्या लखनऊ और गोरखपुर दो आर्थिक केंद्रों के बीच में बसा हुआ एक शहर है, तो यहाँ पर धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ने के अवसर जरूर उपलब्ध हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि अयोध्या में अब जो पर्यटन बढ़ा है, धार्मिक पर्यटन की वजह से अयोध्या का जो आर्थिक विकास है बहुत तेजी से होने वाला है, और एक तरह से यहाँ पर पैसे की बरसात होने वाली है। इतना पैसा यहाँ पर्यटकों द्वारा जो खर्च किया जाएगा, उसकी वजह से अयोध्या और पूरे उत्तर प्रदेश का काफी विकास होने वाला है। तो इस आउटर रिंग रोड के किनारे ये जो दिख रहे हैं आपको गोल से, ये एक तरह से न्यू इकोनॉमिक नोड्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियां हैं तेजी से विकसित होंगी, और ये पूरा आउटर रिंग रोड के चारों तरफ किनारे किनारे ही बनाई जा रही हैं। ये एक तरह से अगर देखें तो ये लखनऊ रोड है, लखनऊ की तरफ जा रही है, और इधर आपकी गोरखपुर रोड है, ये गोरखपुर के लिए जा रही है। ये ग्रीन फील्ड टाउनशिप यहाँ पर है। इस तरह यहाँ पर आप देखें तो ये रामायणा स्पिरिचुअल जोन है। इस आउटर रिंग रोड या बाईपास को बनाने के लिए पीएम गति शक्ति पहल के तहत राष्ट्रीय समूह की बैठक हुई है, जिसमें कि अयोध्या बाईपास परियोजना को एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में माना गया है, और इसकी कुल लंबाई लगभग 68 किलोमीटर है, जिसमें कि 35.4 किलोमीटर 4 और 6 लेन की रोड्स बनाए जाना प्रस्तावित है, जो कि अयोध्या के उत्तरी बाईपास के रूप में निर्माण किया जाएगा, और 32.17 किलोमीटर लंबाई में भी 4 और 6 लेन की रोड अयोध्या दक्षिणी बाईपास मार्ग के रूप में बनाई जाएगी। यह परियोजना लखनऊ और बस्ती गोंडा जिलों को कवर करेगी। इस परियोजना के साथ अयोध्या के आसपास के जो लखनऊ, बस्ती और गोंडा जिले और उसके संपर्क मार्गों पर होने वाले जो भी धार्मिक और पर्यटन के स्थल हैं, इन सब तीर्थ स्थलों को कवर करते हुए आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक नोड्स को ये कवर करेगी, जिससे कि इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ सकती हैं, बढ़ेंगी, और इसके साथ ही अयोध्या शहर के अंदर भीड़ कम होगी। जो लोग लखनऊ से गोरखपुर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो बाईपास से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको अयोध्या के निर्मित होने वाले नए बाईपास के बारे में आपको बताया डिटेल में। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण दिन पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।